सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की वजह से भारत के इस धुरंधर खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद हो गया। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को पूरी दुनिया में उनके लंबे लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी गेंद डालने से घबराता है। महेंद्र सिंह धोनी जब से भारतीय टीम में आए तब से वो आज तक खराब फॉर्म के कारण भारतीय टीम से बाहर नहीं हुए हैं। दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही साथ अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह धोनी के लगातार भारतीय टीम में खेलने की वजह से भारत के एक और विकेटकीपर बल्लेबाज का कैरियर लगभग बर्बाद हो गया है। जी हां, हम विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए अपना पहला मैच साल 2004 में खेला था। वही महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना पहला मैच साल 2004 में ही खेला था। महेंद्र सिंह धोनी के अच्छे प्रदर्शन की वजह से दिनेश कार्तिक हमेशा भारतीय टीम से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। वही दिनेश कार्तिक भी लगातार आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वजह से उन्हें भारतीय टीम में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक की एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी हुई है, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें महेंद्र सिंह धोनी की जगह ज्यादा मैच खेलने के मौके दिए जाएंगे। दिनेश कार्तिक का वनडे कैरियर अभी तक ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। 2004 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले दिनेश कार्तिक अभी तक मात्र 73 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक ने 62 परियों में 28.44 के बल्लेबाजी औसत से 1,365 रन बनाए हैं। इस दौरान दिनेश कार्तिक ने वनडे क्रिकेट में अभी तक 8 अर्धशतक लगाए हैं। दिनेश कार्तिक वनडे में अभी तक शतक लगाने में नाकाम रहे हैं। दिनेश कार्तिक अभी तक वनडे में 143 चौके और 12 छक्के लगा चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।